देखिए हमारा पायदान तैयार हो गया है। देखिए हम आपको पायदान बताएंगे। पायदान में मैं दूसरा डिजाइन बताऊंगी आपको। पहले भी मैंने डाले हुए हैं तो मैं दूसरा डिजाइन बताती हूँ। ये मैंने पायदान लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच, इसकी जो लंबाई है पायदान की वो मैंने लिए 25 इंच। ये मैंने काट के अलग कर दिया है। ये देखिए अब जो है मैंने इसमें डिजाइन बनाना है तो इसमें निशान लगा लेंगे। देखो इसमें भी हमें अपने हिसाब से डिजाइन बनाना है जैसा हमें पसंद है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मेरे को इसमें डब्बियाँ बनानी है। तो डब्बे के लिए मैं सबसे पहले ये जो मैंने 25 लिया है उसका आधा कर लूँगी 12.5 पे। ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए और इसको मिला दूंगी। ऐसे ही इधर भी निशान लगाएंगे। तो 16 है तो इसे हम 8 पे लगाएंगे और ऐसे ही हम 8 पे। तो ये देखिए मैंने खाने बना लिए हैं। ये हमारे 4 खाने बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, पट्टी निकालनी है। सबसे पहले हम इस पे पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने के बाद हमें दो दो इंच की, तो ये देखिए मैं जैसे कोई साड़ी पुरानी पड़ी हुई या कोई दुपट्टा पुराना पड़ा हो तो दुपट्टे से मैं पट्टियाँ निकालूंगी। ये मैं 2 या 3 3 इंच की पट्टी निकाल लूंगी। सीधी पट्टियां हम निकाल लेंगे ऐसे। देखिए पट्टियां निकाल लेती हूँ मैं। तो देखिए हम इन पट्टियों को रख के यहाँ सिलाई लगा देंगे सारी पट्टियों पे। देखिए ये पट्टी हम इस पैदान के कोने से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसे रख करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे मोड़ करके ऐसे दूसरी साइड से भी इसको ऐसे दबा करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए मैं पट्टी लगा के सिल के बताती हूँ आपको। तो ये देखिए ये मैंने लगा दी है पाइपिंग चारों तरफ। ये देखिए चारों तरफ मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब जो है हमें ये सिलना है, यहाँ पे हमें जरा लगानी है। तो जो हमने बॉक्स बनाए हैं ये जो बॉक्स है पहले हम बॉक्स के अंदर अंदर झालर लगाएंगे। तो देखिए हम झालर कैसे लगाएंगे। झालर को हम यहाँ पे ऐसे जैसे हमने ये कपड़ा लिया है, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे चुनट देंगे ऐसे ऐसे। हमें चुनट डालते चले जाना है इसमें ऐसे, और बीचों बीच इसके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये मैंने सिल दिया है इतना। अब जो हमारा बीच का निशान है यहाँ पे एक चुनर और डाल करके इस कपड़े को हम घुमा लेंगे फिर। तो ये देखिए ये मैंने एक चुनर और डाल दी है और अब हम यहाँ से इस कपड़े को घुमा लेंगे ऐसे। ऐसे ही घुमा करके हमें एक चुनर और डालनी है यहाँ पे कोने पे। ये देखिए और फिर इससे तो जो हमारे ये निशान है, ये आपको दिख रहा होगा ये निशान है, इस निशान को हम इस कपड़े के बीचों बीच रखेंगे। इस निशान से जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर अंदर इसको भरना है हमें। तो ऐसे ही सिलते चले जाएंगे हम। देखिए ऐसे चुनर भरते रहेंगे इसको और उस निशान पर ही आपको सिलाई लगानी है। तो अब देखिए मैंने ये सिल दिया है। अब इसे हम फिर घुमा लेंगे ऐसे कपड़े को, ये देखिए, और इसको हमें सीधा ही रखना है और ऐसे ही हमें इस कोने पे भी चुनर डालनी है। जो हमारा निशान है उस निशान पे ही हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो ये जो मैंने चारों तरफ सिल दिया है, हमें क्या करना है, इस सिलाई से हमें यहाँ पर एक एक या आधा आधा इंच का
ऐसे करके गैप बनाना है और यही चारों तरफ ऐसे ही गैप रखना है और सिलते जाना है। तो देखिए इस बॉक्स को हम भर के बताते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है इसको ऐसे करते चले जाएंगे और इसको ऐसे चुनट लगाते चले जाएंगे इसमें पट्टी में। ये देखिए तो ये देखिए ऐसे भर लेंगे हम इसे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है भर करके। ऐसे ही हमें चारों बॉक्स तीन बॉक्स और तैयार करने हैं और जो बीच का रह जाएगा ये, तो बीच में भी हम एक लास्ट झालर लगाएंगे इसको ऐसे करके। ऐसे करके यहाँ पर भी हम इसको सिल देंगे। तो देखिए तैयार करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने भर दिया है। ऐसे ही हमें और बॉक्स भरने हैं चारों। तो देखिए मैं उसे तैयार करके बताती हूँ अब। तो देखिए हमारा पायदान तैयार हो गया है।